नमस्कार, स्वागत है आपका द जे के पेजेस में। मैं आयुषी। आज जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से आगे ही आम जनता को मार पड़ी है, वहीं अब सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं आम जनता से कि सब्जियों के रेट्स के बारे में उनका क्या कहना है। जिस तरह सब्जियों के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आइए जानते हैं हम। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह है। ये आप अभी सब्जियां खरीद रहे थे, आपने दाम पूछे, आपने कहा बहुत महंगी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज आम चीज़ों की ज़रूरत जो रसोई में है वो है टमाटर, प्याज या आलू, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज उसी चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आम बंदा वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आज टमाटर का भाव देखो, आलू का भाव देखो, कोई चीज़ है जो 50 रुपये से नीचे नहीं है। जिसका रेट 10 रुपये होना चाहिए, आज वो 50 की बिक रही है। जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अगर इसी के बिना आपको रसोई चलानी पड़े तो आप कैसे चलाओगे? मैम, रसोई चलाना है इस तरह तो लोग भूखे मर जाएंगे। जिस तरह से रेट बढ़े हुए हैं, इस तरह तो लोग भूखे मर जाएंगे। रसोई चलाना तो बात की बार है। अब लोगों के पास तो ये है कि अपने घर लेने के लिए जहाँ किलो चीज़ लेते थे, आप पाव ले रहे हैं, ठीक है ना, पाव से गुजारा कर रहे हैं। आगे कोरोना से मर रहे थे लोग, आगे कोरोना की मार पड़ी हुई है, तो अब ये पोजीशन है कि लोगों के पास तो ना तो पैसा है और ना खाने के लिए, घर ले जाने के लिए चीज़ें। जिस तरह आपने सुना कि कोरोना की वजह से पहले ही मार है लोगों को, वहीं अब कोरोना के साथ साथ सब्जियां भी लोगों को मार देने लगी हैं। वहीं जहां लोगों के पास पैसे कम हैं, वहां पे सब्जियों के खरीदने का जरिया भी कम होता जा रहा है। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग जहाँ किलो खरीदते थे, वहाँ पर पाव आध पाव खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। सब्जियों के दाम मंडी में क्या चल रहे हैं? टमाटर बिक रहा है 900 रुपये का क्रेट है, ये तो 50 रुपये किलो लेते हैं, उसमें सड़ा हुआ भी निकलता है, बोलते हैं 25 किलो होता है, 18-19-20 किलो तो होता है, उसमें हम 50 रुपये किलो बेचते हैं, जो लास्ट में बचता है हम 40 रुपये केजी देते हैं, टमाटर के पैसे ही पूरे होते हैं। आलू 35 से लेकर 40 रुपये तक मंडी में पड़ रहा है, तो दुकानदार क्या वो बेचा, गाहक आता बदतमीजी बोलता है। जिस तरह आपने देखा कि दुकानदार का कहना था कि मंडी से ही माल अगर महंगा बिकेगा, यहाँ पे आते हुए माल सड़ भी जाता है तो उसके बाद बीच में जेब में कुछ नहीं बचता है, वहीं इनका यही कहना है कि यहाँ पे जब कोई भी ग्राहक आता है तो वो उनको उल्टा गालियाँ निकाल के जाता है कि सब्ज़ी इतनी महंगी है। ये भी क्या करें, यहाँ पे जब सरकार ही पीछे से सब्जियों के दाम नहीं घटाएगी, ये भी क्या कर सकते हैं तब तक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आयुषी, द जे के पेजिस के साथ, धन्यवाद।